देखो ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, आपने ऐसी वीडियो कभी भी नहीं देखी होगी, ये मेरी गारंटी है। और ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो आप सब पर है आप इसे कैसा रिस्पांस देते हैं। हर एक आर्टिस्ट के लिए एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है। ऐसे एग्जांपल जैसे कृष्णा है, तो कृष्णा का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आते हैं लिरिक्स, बार्स, मेटाफर्स, राइम स्कीम एक्सेट्रा। और ये वीडियो पर्सपेक्टिव अबाउट देसी पॉप आर्टिस्ट से रिलेटेड होने वाली है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को एंड तक देखो, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडिया में लिरिकल रैपर्स का नाम जब भी आता है, तीन नाम आपको हर बार 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 सुनाई देंगे, वो है EPR, ब्रोदा वी, कृष्णा। ये तीन रैपर्स फेमस फॉर हिज लिरिसिज्म, लिरिक्स के मामले में इनसे स्ट्रॉन्ग शायद ही कोई है। और ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि जहां नाम लिरिक्स का आएगा वहां फिर कृष्णा, EPR, ब्रोदा वी का नाम आएगा ही आएगा। और इन तीनों रैपर्स के लिए पर्सपेक्टिव है, बट इन तीनों के लिखने का स्टाइल बहुत अलग अलग है। जहां ब्रोदा वी राइट हिज राइम्स इन इंग्लिश एंड बंगाली एंड ही सेज अबाउट हिज कल्चर एंड हुड, वहीं EPR आपको सोशल इश्यूज मोर सेंसिबल राइटिंग करते दिखेंगे। एंड दैट EPR different from all and Krishna writes diss tracks and about his life and hood। Lyrical rapper perspective में हम और किन rappers को जोड़ सकते हैं comments में बताओ। स्टोरी टेलिंग रैपिंग का नाम आए और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स का नाम नहीं आए, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। डिनो जेम्स, इक्का, एमसी इनसेन। डिनो जेम्स का अगर आपने हैंकॉक, यादें, मिराज सुन रखा है तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि डिनो की स्टोरी टेलिंग कैसी है। डिनो जेम्स फेमस फॉर स्टोरी टेलिंग स्किल। मैंने डिनो का फर्स्ट सॉन्ग विशलिस्ट सुना था और तब से मैं डिनो को सुन रहा हूँ और आई लाइक हिज स्टोरी टेलिंग। अब बात करें इक्का की, अगर तुम इस बात से बाय चांस डिसएग्री कर रहे हो तो पहले इंटरव्यू और निशु सुन के देखो, फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाओ। वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर इन देसी पॉप इज इक्का। लेट्स टॉक अबाउट एमसी इनसेन, अ अंडरग्राउंड स्टोरी टेलर। भाई के लगभग गाने स्टोरी बेस्ड होते हैं। ग्रेट वर्क डूइंग इन देसी पॉप सीन। अगर आप लोग भाई का वर्क देखना चाहते हैं तो गंदी पारो फील में जरूर सुने। द बेस्ट ट्रियो इन कमर्शियल हिप हॉप सीन इन इंडिया, योयो, हनी सिंह, बादशाह रफ्तार। हर पार्टी की जान है ये तीनों कलाकार। कमर्शियल हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हनी सिंह ने करवाया और आज रूल बादशाह कर रहे हैं, और इनके बीच में थोड़े थोड़े मसाले जैसा काम रफ्तार कर रहा है। द ओजीज माफिया मुंडीर मेंबर्स इंट्रोड्यूस कमर्शियल हिप हॉप एंड मिक्स्ड आर कल्चर एंड ओन फ्लेवर्स, एंड दैट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ देसी कमर्शियल सॉन्ग्स। देसी हिप हॉप की बैकबोन है ये तीनों कलाकार और यही पर्सपेक्टिव बना हुआ है रफ्तार, बादशाह, योयो, हनी सिंह के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, होप कि तुम लोग समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का बिल्कुल उल्टा वर्जन भी मेरे दिमाग में है, लाइक वो रैपर्स जिन्होंने ऐसे सॉन्ग्स बनाकर लोगों के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया। आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो यही होने वाली है। आई बिलीव यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। पीस आउट।